प्राइड वर्ल्ड सिटी से 10 मिनट्स की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है 3 और 4 BHK के बड़े कारपेट के यू नो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दिस इज द बेस्ट वेरिएशन जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। दिस इज अ ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, यहाँ तक आपका पूरा वॉल रहेगा। तो अगर आपको कवर्ड चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसी को बोलते हैं जिसमें हमको कम कारपेट में ज़्यादा स्पेस मिल जाए। बिग साइज ऑफ बेड है, सेपरेट करके और बड़ा कर दिया इन्होंने, फिर भी स्पेस देख लो। लेट्स हेड टूवर्ड थर्ड बेडरूम और मास्टर बेडरूम नंबर 2। जस्ट लुक एट द फ्री स्पेस बॉस। बॉस यहाँ पे पूरा वॉक इन वार्डरोब दे दिया है, आओ दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं ब्राइट वर्ल्ड सिटी से 10 मिनट्स की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है जो आप सामने देख लीजिए, 8.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम ब्राइट वर्ल्ड सिटी, फ्रॉम धानोरी एंड वेरी। यहाँ पे खराड़ी के लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे मगरपट्टा के लोग भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे विमान नगर में भी जो रहते हैं रेंट पे और जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो भी यहाँ पे घर ले सकते हैं। दीघी आलंदी विश्रांतवाड़ी साइड को बिलोंग करते हैं और आप अपना प्रॉपर्टी घर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 4 BHK के बड़े कारपेट के यू नो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप गेस तो कर लिया होगा, 4 BHK का आपको शो यूनिट दिखाने वाला हूँ। कारपेट पे मत जाना, रूम साइजेस पे जाना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पे जाना। कारपेट सुनोगे तो शायद आपको ये पसंद ना आए कि यार छोटा मिल रहा है 4 BHK, बट रूम साइजेस ज़रूर देखो। इसमें 3 मास्टर बेडरूम मिल रहे हैं और आपको बिग साइज ऑफ लिविंग डाइनिंग मिल रहा है। यू नो बहुत अलग अलग टाइप के स्पेसिफिकेशन है जो वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ। 1400 का कारपेट है, 1409 कारपेट का मैं दिखा रहा हूँ। वेरिएशंस बहुत सारे हैं इसमें जो आप समझ सकते हैं, 1426 भी है, 1400 भी है, यू नो मतलब प्लस माइनस कारपेट्स हैं अपने पास और वेरिएशंस भी हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वेरिएशन जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। एंड आई थिंक बिल्डर ऑल्सो बिलीव्स कि दिस इज़ द बेस्ट वेरिएशन, इसलिए उन्होंने सिर्फ इसी का शो यूनिट बनाया है। इंटर करते ही दिस इज योर लॉबी स्पेस, योर एंट्री फॉयर। फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड बिल्डर ने बहुत स्मार्टली इसको यूटिलाइज कर दिया, एकदम सेंटर ऑफ द हाउस दे दिया है। लिविंग डाइनिंग किचन सेपरेट हो जाता है, बालकनी सेपरेट हो जाती है और बाकी पूरे आपके बेडरूम से एक तरफ हो जाते हैं। इसमें आपको वॉक इन वार्डरोब भी मिलने वाला है इस वेरिएशन में। तो आपका लॉबी स्पेस हो गया। टाइल्स का डिफरेंस देख लो, घर के बाकी टाइल्स और ये टाइल्स में बिल्डर ने डिफरेंस दिखा दिया है और आपको सेम सिमिलर ऐसे ही मिलने वाला है फॉयर में। तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करोगे आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप नीचे शू रैक लगा सकते हैं और ऊपर का कैबिनेट बना करके उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी गणेश जी तो आपको वेलकम कर ही रहे हैं अगर आप यहाँ पे अपना घर ले रहे हैं तो। एंड द पॉइंट इज दैट कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं और डेकोरेशन करने के बाद भी ये स्पेस आपको कम नहीं पड़ रहा है। डोर आपको सेम सिमिलर मिलने वाला है विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम, रबर फिनिशिंग। सो अगर डोर जोर से भी बंद होता है तो इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेट्स हेड टू इनसाइड लिविंग और डाइनिंग स्पेस देख लेते हैं। दिस इज अ ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस, 19.3x13 का ये साइज है एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये 20x11, 22x11, 22x10 भी होता तो मज़ा नहीं आता क्योंकि वो 13 फीट की वजह से जो यू नो वॉल्यूम मिल रहा है वो बड़े मज़ेदार है। सो बिग साइज ऑफ सोफा और पूरा सेट है, पूरा बड़े साइज का सेट है विथ बिग साइज ऑफ सेंटर टेबल, यू नो हैवी फर्निशिंग, फिर भी स्पेस आपका लिविंग को कम नहीं पड़ रहा है। और इस तरफ में आपका 6-सीटर बिल्डर ने बैठा है, 4-सीटर दिखाता तो और स्पेशियस लगता बट हैवीली 6-सीटर बड़े साइज का डाइनिंग बैठाया है। एंड एज यू कैन सी बड़े आराम से यहाँ पे एकोमोडेट हो गया है। आपने डाइनिंग को यहाँ तक भी रख दिया रहता तो भी आपको यू नो स्पेस की कमी नहीं होती। एंड इस तरफ में हम चलेंगे किचन को देखेंगे। तो किचन इज इक्वली स्पेशियस। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये डेकोरेशन इंटीरियर का पार्ट है, यहाँ तक आपका पूरा वॉल रहेगा। तो अगर आपको कवर्ड चाहिए ये आपकी वॉल रहेगी, तो अगर आपको कवर्ड चाहिए तो दिस विल बी द आइडियल किचन फॉर यू। बट अगर आपको ऐसा करना है कि मुझे ओपन करना है, मुझे स्पेस और बढ़ा देना है, तो यू कैन गेट इट रिमूव बाय द बिल्डर। उसके लिए आपको उसके बिल्डर के लिए बात करनी पड़ेगी। आई थिंक बिल्डर इज गिविंग दैट ऑप्शन कि आप ये वॉल हटा सकते हैं, वो वॉल हटा सकते हैं, इससे आपका पूरा स्पेस यूटिलाइज हो सकता है। ओके, इनक्लोज बालकनी का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आपको वाइट ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। बाकी पूरा किचन आपका रॉ रहेगा, नो कैबिनेट्स, नो ट्रॉली, ये
नन ऑफ द डेकोरेशन। हैवीली फर्निश भी कर लोगे विद वाइट गुड्स अप्लायंसेस के साथ, सर्विस काउंटर बना लोगे या इसी को सर्विस प्लेटफॉर्म के जैसा यूज़ कर लोगे, स्पेस कम नहीं पड़ेगा। इनक्लोज बालकनी है तो यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन डिशवॉशर भी बड़े आराम से आ सकता है। दैट साइड यू कैन पुट अप योर रेफ्रिजरेटर एंड यू नो आपका माइक्रोवेव ओवन एंड एक्स्ट्रा जो भी अप्लायंसेस आप यूटिलाइज करते हैं। विंडो आपको यहाँ पे सेम सिमिलर मिल रहा है, सो विंड फ्लो आपका बना रहे घर के अंदर। सो क्रॉस वेंटिलेशन, दैट साइड यू हैव द बालकनी ओपन स्पेस, दिस साइड यू हैव द विंडो, तो क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर में अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे जो सिंक आपको दिखाई जा रही है ये आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का सिंपल सिंक मिलेगा। दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर, जैगवार की फिटिंग्स इन द हाउस एंड यू नो ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफायर का भी आपको प्रोविजन मिल रहा है। चलिए बालकनी देख लेते हैं। देखो अभी तक तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ लगा नहीं है। यूजुअली क्या होता है इस कारपेंट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसी को बोलते हैं जिसमें हमको कम कारपेट में ज़्यादा स्पेस मिल जाए। एंड ये आपका स्पेशियस बालकनी है, इधर पे आपका बिग साइज का एक फर्नीचर है, फिर भी स्पेस कम नहीं पड़ रहा है। ऐसे स्टेनलेस स्टील का आपको यू नो स्टेनलेस स्टील विथ टफिंग ग्लास की रेलिंग मिलेगी, कवर्ड ऐसे ही रहने वाला है। ये लाइट्स नहीं मिलेंगी, ये तो पीओपी पार्ट है, इंटीरियर का पार्ट है, नॉर्मल रहेगा आपका। सो आपको यहाँ पे जो डोर मिल रहा है स्लाइडिंग डोर है तो पूरा ओपन हो जाता है, वॉल टू वॉल मिल रहा है तो काफ़ी यू नो आपका यू नो काफ़ी ज़्यादा आप इसको ओपन कर सकते हो। आई थिंक मोर देन 70% यू कैन ओपन इट एंड कम्स विथ मॉस्किटो मैश। तो उससे होगा क्या, आपका विंड वेंटिलेशन का इशू नहीं रहेगा, मॉस्किटोज का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब ये हमने घर का एक पार्ट कवर कर लिया जो कि लॉबी के इस तरफ था। अब हम बेडरूम्स को देखेंगे, ऑल फोर बेडरूम्स जिसमें से तीन मास्टर बेडरूम है, वन कम्स विद वॉक इन वार्डरोब और एक आपका कॉम्पैक्ट साइज का रहेगा। तो अंदर की तरफ आते हैं, फर्स्ट बेडरूम को देखते हैं या ट्रीट इट एज कॉमन बेडरूम। आइए, सो दिस इज द ओनली बेडरूम जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है, उसके अलावा पूरे घर में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आगे मैं दिखा दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी बिल्डर ने बिग साइज ऑफ बेड लगा करके, वार्डरोब प्रॉपर लगा करके दिखाया कि आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ यही एक बेडरूम है जिसका साइज कम है, विंडो भी आपको सेम अच्छे स्पेसिफिकेशंस के मिल रहे हैं, कम्स विद मॉस्किटो मैश ताकि विंड वेंटिलेशन एंड मॉस्किटोज का प्रॉब्लम ना हो। बाहर जो आप ग्रिल देख रहे हो ये ऐसा ग्रिल आपको एक्चुअल घर में नहीं मिलेगा, ये तो क्या है सेल्स ऑफिस से सिर्फ कवर करने के लिए रखा हुआ है। बाहर आपको एक यू नो ये ओपन ही रहेगा जब आपको एक्चुअल फ्लैट रहेगा। और टाइल्स जैसा मैंने बताया था पूरे घर में सेम आपको मिल रहा है, मैट फिनिशिंग काइंड ऑफ टाइल, जो लॉबी में डिफरेंट है यहाँ अलग। लेट्स हेड टूवर्ड्स मास्टर बेडरूम नंबर टू and just look at the size, this is just good, 13.5 by 11 का साइज है मास्टर बेडरूम नंबर वन और बेडरूम नंबर टू। एंड आप वार्डरोब देख लो, उधर पे वार्डरोब है 2 feet का, यहाँ पे स्टडी टेबल है ये भी 2 feet का है, बिग साइज ऑफ बेड है, सेपरेट करके और बड़ा कर दिया इन्होंने, फिर भी स्पेस देख लो कहीं कम नहीं पड़ रहा है, काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा जो आपका विंडो है वो भी वॉल टू वॉल है विथ मॉस्किटो मैश, ऊपर का पार्ट मूवेबल, नीचे का पार्ट जो है आपका फिक्स रहने वाला है, तो सनलाइट वेंटिलेशन का भी इश्यू नहीं रहेगा। इस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है। अब वॉशरूम भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सो ये आपको सारे के सारे टाइल्स आप देख लीजिए जो आपको सेम सिमिलर मिलने वाला है, वेरिएशन देख लीजिए। ये रैक्स भी आपको बिल्डर की तरफ से बना के मिलेगा, थॉटफुल, वेरी थॉटफुल बाई द बिल्डर, एब्सोल्युटली। एंड जैगवार के जो आपको फिनिशिंग मिल रहा है, जैगवार का सीपी स्पिटिंग अनसैनिटरी वेयर मिल रहा है, लुक एट द फिनिशिंग्स, फॉल सीलिंग आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड क्योंकि हमने कॉमन बेडरूम तो देखा था, कॉमन वॉशरूम नहीं देखा था, तो हम इसके कॉमन स्पेस को देख लेते हैं। दिस इज योर वॉश बेसिन एरिया ताकि आपके गेस्ट को वॉशरूम के अंदर बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। एंड ये ओवर द टॉप काउंटर मिलता है जैगवार का विद दिस टॉप, नीचे जो है आपका कैबिनेट ये सब नहीं मिलने वाला है, बट दिस स्पेस रिमेन्स द सेम विद कैडो टाइल्स एंड ऑल। अंदर की तरफ अगेन डिफरेंट वेरिएशन ऑफ टाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप ध्यान से देखिए क्योंकि हर वॉशरूम में अलग अलग टाइल्स है। बाकी स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स हेड टूवर्ड थर्ड बेडरूम और मास्टर बेडरूम नंबर टू। अंदर आते ही नाउ यहीं से शुरू कर देते हैं, ये आपका
वार्डरोब के जैसा स्पेस हो गया, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं वार्डरोब के जैसा, या आपको अगर किसी और एक्टिविटी के लिए, जैसे इन्होंने एक स्टोरेज लगा के रखा है तो आप उसको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज अगेन आपका सेम साइज एज सेकेंड बेडरूम। जस्ट लुक एट द फ्री स्पेस बॉस, क्या स्पेस दिया है इन्होंने एकदम, मतलब बिग साइज ऑफ बेड हो गया, साइड टेबल्स हो गए, वार्डरोब हो गया, स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। अभी आप बताओ कॉम्प्रोमाइज लग रहा है क्या? हाँ ठीक है, फर्स्ट बेडरूम थोड़ा छोटा था, बट और कहीं कोई कमी लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं लग रही होगी। अंदर की तरफ आते हैं। ओके, अंदर जाने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विंडो मैंने वहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ, वॉल टू वॉल आपको विंडो मिल रहा है, नीचे का फिक्स, ऊपर का मूवेबल। बाकी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वॉशरूम देख लेते हैं, वॉशरूम नंबर 3, सीपी फिटिंग, सैनिटी फिटिंग सब बता चुका हूँ। जस्ट लुक एट दिस ब्लैक टाइल्स, ब्यूटीफुल ब्लैक टाइल्स आपको मिल रहा है, नीचे भी आपको सेम एंटी स्किड टाइल्स मिल रहा है, एंड जैसा मैंने पहले बताया था रैक का स्पेस भी बिल्डर की तरफ से मिल रहा है। तो स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, सिर्फ टाइल्स का वेरिएशन है एंड ब्यूटीफुल टाइल्स दे आर प्रोवाइडिंग। अंदर चलेंगे और मास्टर बेडरूम नंबर 3 और 4 बेडरूम को देखेंगे, जिसमें वॉक इन वार्डरोब भी है। आ जाइए। सो ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम नंबर 3 और 4th बेडरूम, एंड दिस इज द बिगेस्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। जस्ट लुक एट द बिग साइज ऑफ बेड, लुक एट द फ्री स्पेस। सब आप बोलोगे वार्डरोब कहाँ है, वार्डरोब लगाने से रूम छोटा हो जाएगा। बॉस यहाँ पे पूरा वॉक इन वार्डरोब दे दिया है, आओ दिखा देता हूँ। और वॉक इन वार्डरोब भी पैसेज जैसा नहीं दिया है, काफी ओपन ओपन बड़े साइज का दिया है। जस्ट लुक एट दिस वॉक इन वार्डरोब स्पेस, तो पूरा बेडरूम यूटिलाइज कर सकते हो आप। साउंड्स गुड्स राइट? मैंने बोला था ना कि कॉम्प्रोमाइज कहीं पे नहीं है, कुछ जगह पे सिर्फ फर्स्ट बेडरूम के अलावा कहीं पे भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स हैव अ लुक एट द वॉशरूम एंड सेम ब्लैक टाइल्स। तो जैसा मैंने पहले बोला था, यू कैन कंसिडर कि दिस प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग। कारपेट इज 1400, इमेजिन किया नहीं होगा 1400 के कारपेट पे इतना कुछ मिल रहा है। तो कारपेट इज 1400, जैसा मैंने बोला, नंबर्स पे मत जाओ, रूम साइजेस पे जाओ। 3 मास्टर बेडरूम, बिग साइज ऑफ किचन, लिविंग डाइनिंग एंड बालकनी, एंड यू गेट योर परफेक्ट 1400 कारपेट ऑफ 4 BHK। पसंद आ रहा है कॉन्टैक्ट कर लो, फ्लैट पसंद आ रहा है कॉन्टैक्ट कर लो, इंक्वायर कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। जो प्राइड वर्ल्ड सिटी में इंटरेस्टेड है वो ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।